Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics, in which today we are going to discuss about reflex klystron. We have already discussed about two cavity klystron, now reflex klystron. So here we will discuss about reflex klystron. So before discussing about reflex klystron, what are the disadvantage of two cavity klystron? तो two cavity klystron हमने discuss किया हुआ है, उसके कुछ drawbacks हैं जिसके कारण हम reflex klystron लेंगे. So what are the disadvantage of two cavity klystron? If a fraction of the output power is fed back to the input cavity, and if the magnitude of loop gain is unity with a phase shift of 2 pi, the klystron will oscillate. So klystron ke oscillation ke liye condition kya hai? The magnitude of loop gain is unity with a phase shift of 2 pi. So loop gain ka jo magnitude hai wo hamara unity hona chahiye aur phase shift 2 pi hona chahiye. To agar output power ka ek fraction hum wapas इनपुट कैविटी में फीडबैक कर देते हैं, एंड अगर लूप गेन का मैग्नीट्यूड 1 हो एंड फेज शिफ्ट 2 पाई हो, तो उस केस में क्लिस्ट्रॉन हमारा ऑसिलेट करता है. हाउएवर अ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन और टू कैविटी ऑसिलेटर इज यूजुअली नॉट कंस्ट्रक्टेड, बिकॉज व्हेन द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज वेरीड, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी of each cavity and the feedback path phase shift must be readjusted for a positive feedback. So two cavity klystron usually हम construct नहीं करते हैं, क्योंकि अगर oscillator frequency को हम vary करेंगे तो हर cavity की resonance frequency हमको readjust करनी पड़ेगी. किसके लिए? Positive feedback के लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा एंड लूप गेन का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी हो और साथ में फेज शिफ्ट 2 पाई हो, तो उसी केस में क्लिस्ट्रॉन हमारा ऑसिलेट होगा. तो यहां पर अगर आप ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हो, तो हर कैविटी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमको फेज शिफ्ट एंड फीडबैक का जो पाथ है वो रीएडजस्ट करना पड़ेगा. किसके लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए, जिससे कि क्लिस्ट्रॉन हमारा ऑसिलेट करे. टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज नॉट लो नॉइस डिवाइस. ड्यू टू दिस फैक्ट यूजुअली इट इज यूज्ड इन द ट्रांसमीटर एंड नॉट इन द रिसीवर. तो हमारे पास में जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर था, वो जो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर था वो लो नॉइस डिवाइस नहीं है. तो जनरली हम टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर का यूज ट्रांसमीटर में करते हैं, न कि रिसीवर में. इट इज अ नैरो बैंड डिवाइस ड्यू टू यूज ऑफ रेजोनेंट कैविटीज. सो रेजोनेंट कैविटी के यूज के कारण टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन हमारा नैरो बैंड डिवाइस है. इसका मतलब एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. इट कैन बी यूज्ड एट ओनली वन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. और साथ में टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को हम केवल एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ही यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन. The disadvantage of two cavity klystron were overcome by a single cavity klystron known as reflex klystron. So ye jo hamare two cavity klystron ke disadvantage the, ye drawbacks the, unko hum ek single cavity klystron mein reduce kar dete hain ya eliminate kar dete hain. Aur ye jo hamara single cavity klystron hai, isko hum reflex klystron kehte hain.
So reflex klystron is actually a single cavity klystron. It is designed to have sustained oscillations at microwave frequency. और ये जो हमारा क्लिस्ट्रॉन है, कौन सा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर सस्टेंड ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है या मेंटेन्ड ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है. नाउ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन. अब रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वन इज इट डिलीवर्स लो आउटपुट पावर इन द रेंज ऑफ 10 मिलीवॉट टू 2.5 वॉट. सो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन लो आउटपुट पावर डिलीवर करता है और ये जो पावर की रेंज है दिस इज फ्रॉम 10 मिलीवॉट टू 2.5 वॉट. इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ 1 टू 20 गीगाहर्ट्ज़ एंड रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 1 से लेकर 20 गीगाहर्ट्ज़ तक है. इट्स ट्यूनिंग रेंज लाइज बिटवीन 5 गीगाहर्ट्ज़ एट 2 वॉट टू 30 गीगाहर्ट्ज़ एट 10 मिलीवॉट. सो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की जो ट्यूनिंग रेंज है वो 2 वॉट पर 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 10 मिलीवॉट पर 30 गीगाहर्ट्ज़ होती है. Its theoretical efficiency is found to be 22.78% while its practical efficiency is only 10 to 20%. So reflex klystron ki agar hum theoretical efficiency nikale to wo hamari 22.78% aati hai jabki actual mein practical efficiency iski 10 to 20% hai. Now applications of reflex klystron. The reflex klystron are oscillators and therefore they are widely used in local oscillators receivers, radar receivers, radio receivers etc. The reflex klystron basically hamara oscillator hai, isliye isko hum mainly local oscillator receiver mein, radar receiver mein and radio receiver mein use karte hain. They are also used as a signal source in microwave generator and pump oscillators of parametric amplifier. So reflex klystron ko hum microwave generator mein as a signal source and parametric amplifiers mein pump oscillator ki form mein use karte hain. Reflex klystron are also used in air missiles. So military mein air missiles mein bhi hum reflex klystron use karte hain. So these are the applications of reflex klystron. Now a structure of reflex klystron. So this is our structure of reflex klystron. Here we have anode, this is cathode, this is our heating element, here we have RF output, this is our cavity resonator and this one is repeller. और यहाँ पर एक oscillator है and Vs equal to V1 sin omega t. Accelerating voltage provide करने के लिए यहाँ पर हमने supply लगाई है जिसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज VA है एंड दिस इज अ पावर सप्लाई टू प्रोवाइड द नेगेटिव पोटेंशियल टू द रिपेलर. सो इस पावर सप्लाई के थ्रू हम इस रिपेलर को नेगेटिव पोटेंशियल या रिवर्स पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं एंड दिस इज ग्रिड गैप. दिस कैविटी works as bunched cavity and catcher cavity. तो यहाँ पर हमारे पास में केवल एक cavity resonator है, इसी को हम as bunched cavity resonator and catcher cavity resonator use करते हैं and these are the electron beam.
Now, if we see about the structure of reflex klystron, then we have cathode anode configuration, and it is actually electron gun. So cathode and anode ka jo configuration hai, isko hum electron gun karte hain, and it is used to provide an accelerated electron beam. So accelerated electron beam ko produce karne ke liye cathode anode configuration use karte hain, ye electron gun use karte hain. To jaise aap heating element ko heat karoge, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इसके पास में एनोड है एंड दिस एनोड इज बेसिकली फोकसिंग एनोड. सो इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए ये एनोड यूज करती है. सो ये जो कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन गन कहा है, इससे फाइन बीम की फॉर्म में एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम हमारी प्रोड्यूस होती है एंड दिस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम मूव टुवर्ड्स द रिपेलर. Resonator cavity. So this is our resonator cavity. Since it is a single cavity klystron, so this cavity works as buncher and catcher cavity both. So यहाँ पर diagram में हमने एक resonator cavity दिखाई है. Since reflex klystron is actually a single cavity klystron, तो ये जो हमारी resonator cavity है, ये buncher cavity and catcher cavity दोनों की तरह बिहेव करती है. नाउ नेक्स्ट वन इज रिपेलर इलेक्ट्रोड और रिपेलर प्लेट एंड दिस इलेक्ट्रोड इज एट ए नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड फॉर द रिपल्सन ऑफ द चार्जेस. तो ये जो हमारा रिपेलर है, ये कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है, जिससे कि इसकी तरफ जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको ये वापस रिपेल करता है. सो इट इज यूज्ड फॉर द रिपल्सन ऑफ लाइक चार्जेस. सो नेक्स्ट वन इज आउटपुट कपलिंग लूप. दिस कपलिंग लूप इज यूज्ड टू प्रोवाइड आरएफ आउटपुट. दिस होल असेंबली इज सील्ड इन वैक्यूम एनवलप एंड वैक्यूम फिटिंग्स फॉर एक्सटर्नल कनेक्शंस. एंड ये जो हमारी असेंबली है, इस पूरी असेंबली को हम वैक्यूम एनवलप में सील कर देते हैं और एक्सटर्नल कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए यहां पर हम वैक्यूम फिटिंग्स प्रोवाइड करते हैं. नाउ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन. अब रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? इन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन the velocity modulation and current modulation is used to produce oscillations like two cavity klystron. तो जैसे two cavity klystron में velocity modulation होता है, उसी type से reflex klystron में हम oscillations produce करने के लिए velocity modulation and current modulation use करते हैं. Since in this klystron there is only one cavity, so this cavity performs both the action of buncher and catcher cavity. तो reflex klystron में केवल एक ही cavity है, तो इसी cavity को हम buncher cavity and catcher cavity दोनों की तरह treat कराते हैं. So this cavity performs both the action of buncher and catcher cavity. So buncher cavity and catcher cavity दोनों का एक्शन, ये दोनों का काम ये अकेली कैविटी प्रोवाइड करती है. सिंस फीडबैक इज रिक्वायर्ड एट द इनपुट फॉर ऑसिलेशन, सो इट इज प्रोवाइडेड बाय एन ऑसिलेटर. सो इनपुट पर ऑसिलेशंस के लिए हमको फीडबैक की रिक्वायरमेंट है. सो इसके लिए यहां पर हम एक ऑसिलेटर यूज करते हैं. When electrons move inside the cavity, their velocity varies and hence the undergoes velocity modulation. अब electron beam cavity में move कर रही है. So जब cavity में electron हमारे move करते हैं तो उनकी velocity vary करती है. इसका मतलब यहां पर electron का velocity modulation होता है. The repeller electrode
applies repulsive forces on these electrons, and this leads to the formation of a bunch of electrons. अब इलेक्ट्रॉन बीम आगे मूव कर रही है, आगे रिपेलर है, रिपेलर को हमने कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, तो इलेक्ट्रॉन बीम रिपेलर की तरफ जाएगी, तो रिपेलर इसको नेगेटिव पोटेंशियल के कारण एक रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक बंच फॉर्म होगा. सो हियर वी हैव द बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Now, working of reflex क्लिस्ट्रॉन. Reflex क्लिस्ट्रॉन का स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैंने दिखा दिया था. अब वर्किंग क्या होगी? The accelerated electron beam from the electron gun, while passing through the cavity gap, is velocity accelerated due to the presence of RF field. अब इलेक्ट्रॉन गन से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, क्योंकि हमने हीटिंग एलिमेंट को गर्म किया है, जिससे कैथोड हमारा हीट होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, वो फॉक्सिंग एनोड की तरफ जाएंगे, फॉक्सिंग एनोड इसको एक फाइन बीम के फॉर्म में आगे भेजेगा. तो ये जो हमारा कैथोड एंड एनोड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन गन कहा है, यहां से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलती है, और ये जो हमारी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है, इट पासेस थ्रू The cavity gap. तो ये इलेक्ट्रॉन बीम कैविटी गैप से क्रॉस होगी, और RF फील्ड की प्रेजेंस के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेलरेट होंगे या फिर रिटार्डेट होंगे. मीन्स या तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और ये भी हो सकता है इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो. दीज इलेक्ट्रॉन्स इमर्जेस फ्रॉम द गैप. अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे गैप से इमर्ज होते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द गैप आर आइदर एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, और देयर इज नो चेंज इन देयर वेलोसिटी. इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द आरएफ साइकिल अवेलेबल ड्यूरिंग विच दे क्रॉस द गैप. अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैविटी गैप को क्रॉस करते हैं, तो कैविटी गैप को जब क्रॉस करेंगे, तो या तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और ये भी हो सकता है कि इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए. ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस कैविटी गैप को ये क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर आरएफ साइकिल का कौन सा साइकिल या कौन सा पार्ट अभी फ्लो हो रहा है. मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल है या नेगेटिव हाफ साइकिल है या पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द कैविटी गैप. सिंस ए नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन द रिपेलर, सो दीज वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द कैविटी. अब रिपेलर पर हमने एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल के कारण जो वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये वापस इस रिपेलर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कैविटी. सो रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट बैक द वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कैविटी. इट इज फाउंड दैट द फास्टर इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वेलोसिटी v ग्रेटर देन v नॉट, penetrate deeper into the repeller space as compared to the slower one having velocity less than v naught, so it take more time to return. So wo electron jinki speed zyada hai, ye jo faster electron hai jiske liye v is greater than v naught hai, these electron penetrate deeper into repeller space. So repeller space mein ye उन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे जिनकी स्पीड v नॉट के कंपैरिजन में कम है. इसका मतलब जिनकी वेलोसिटी v नॉट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, उनको वापस बाहर आने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये डीपली
रिपेलर स्पेस में पेनिट्रेट हो गए हैं. सो दिस वॉज अवर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन. यहां से इलेक्ट्रॉन फाइन बीम के फॉर्म में आगे जा रहे हैं. यहां पर इनकी वेलोसिटी चेंज होगी या दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन. अब पॉजिटिव हाफ साइकिल है आरएफ इनपुट का या नेगेटिव हाफ साइकिल है या इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या कॉन्स्टेंट रहेगी. तो ये जो हमारे वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन है ये रिपेलर की तरफ जाते हैं और रिपेलर पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है इसलिए वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन वापस कैविटी की तरफ रिटर्न हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वी नॉट वो इस रिपेलर स्पेस में डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं. ये ज्यादा अंदर पेनिट्रेट होते हैं किसके कंपेरिजन में उनके कंपेरिजन में जिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड वी नॉट के कंपेरिजन में कम है. इसलिए जिनकी स्पीड ज्यादा होगी उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी इसलिए अंदर से वापस बाहर आने में वो ज्यादा टाइम लेंगे. द रिपेलर स्पेस एंड रिपेलर वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड ओवर ए हाफ साइकिल ऑफ ऑसिलेशन लीविंग द मॉड्यूलेटिंग गैप विथ डिफरेंट वेलोसिटीज रिटर्न बैक टू द गैप इन द फॉर्म ऑफ बंच एट अ टाइम विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव पीक ऑफ आरएफ साइकिल ऑफ द रेजोनेटर कैविटी. अब रिपेलर स्पेस एंड रिपेलर वोल्टेज को हम एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट किस स्टेप से करोगे. दे आर एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड ओवर ए हाफ साइकिल ऑफ ऑसिलेशन. तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशन के हाफ साइकिल में स्प्रेड होते हैं वे लीविंग द मॉड्यूलेटिंग गैप विथ डिफरेंट वेलोसिटीज रिटर्न बैक टू द गैप इन द फॉर्म ऑफ बंच एट अ टाइम. वे सारे इलेक्ट्रॉन वापस डिफरेंट वेलोसिटीज से रिपेलर से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे वो सारे एक ही टाइम पर बंच के फॉर्म में आए. तो हम रिपेलर स्पेस एंड रिपेलर वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हाफ साइकिल ऑफ ऑसिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन हमारे स्प्रेड हुए थे वो रिपेलर से वापस जब डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में रिफ्लेक्ट होते हैं वे एक ही टाइम पर बंच की फॉर्म में वापस आए. एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव पीक ऑफ आरएफ साइकिल ऑफ रेजोनेटर कैविटी. और ये रेजोनेटर कैविटी के आरएफ साइकिल के पॉजिटिव पीक के कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए. ऑन दिस रिटर्न जर्नी द बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द गैप ड्यूरिंग द रिटार्डिंग फेज ऑफ आरएफ फील्ड. अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे वापस रिपेलर से कैविटी की तरफ आ रहे हैं और ये जो हमारी रिटर्न जर्नी है इसमें इलेक्ट्रॉन जो बंच की फॉर्म में गैप को क्रॉस करते हैं वो आरएफ फील्ड के रिटार्डिंग फेज में होने चाहिए. दिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट देयर काइनेटिक एनर्जी एंड गिव अप टू द आरएफ फील्ड इन द कैविटी. सो इस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देते हैं और ये जो इसने काइनेटिक एनर्जी लॉस की है वो किसको देंगे. दे गिव अप टू द आरएफ फील्ड इन द कैविटी. सो कैविटी में आरएफ फील्ड को ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. When the energy delivered by the bunched electron to the cavity is greater than the energy loss in the cavity would sustain the oscillations at the resonant frequency of the cavity. तो जब cavity के bunched electron की जो energy deliver हो रही है उस energy की value अगर cavity में energy loss से ज्यादा होगा तो cavity resonant frequency पर सस्टेन ऑसिलेशन प्रोवाइड करती है. द ऑसिलेटर आउटपुट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द कैविटी थ्रू कपलिंग लूप.
और जो डायग्राम में हमारा कपलिंग लूप था, वो कपलिंग लूप क्या करता है, दिस कपलिंग लूप टेक्स द ऑसिलेटर आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द कैविटी। सो ये कपलिंग लूप कैविटी से आउटपुट एनर्जी ले लेता है या गेन करता है। फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द कैविटी और अदर ग्राउंडेड मेटल पार्ट्स ऑफ द क्यूब। सो लास्ट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैविटी के वॉल द्वारा कलेक्ट हो जाते हैं या ट्यूब का वो मेटल पार्ट जो कि ग्राउंडेड है उस पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्ट हो जाते हैं। नाउ बंचिंग प्रोसेस, ये हमारा डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन ई, ये ई आर, ये ई एल, इसका टाइम टी ए, ये टी बी, ये टी सी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं, इसको हमने टी डी कहा है। नाउ ये हमारा कैविटी गैप वोल्टेज इस टाइप से है, इसका मतलब यहां से यहां तक लोगे तो आपको कंप्लीट साइकिल मिल जाएगा, अगर ये लोगे तो हाफ साइकिल, ये लोगे तो थ्री फोर्थ साइकिल, और ये मैंने कहा है पूरा वन साइकिल है, और अगर हम यहां से लेके यहां तक लें तो हमारे टू साइकिल्स हो जाएंगे। द बंचिंग प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज शोन इन फिगर। सो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में जो बंचिंग प्रोसेस है वो हमने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। हियर ई ई आर एंड ई एल आर अर्ली इलेक्ट्रॉन्स, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लेट इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। So, EE are early electrons, EF are reference electrons and EL are late electrons. अब early electron आप किसको बोलेंगे? Reference electrons कौन से होंगे and late electrons हमारे कौन से होंगे जिनको हमने diagram में दिखाया है। The early electrons, that is EE, are those electrons which emitted by the electron gun with a very high potential and they have very high velocity. तो जो electrons electron gun से बहुत strong potential के साथ में निकलेंगे या high potential के साथ में निकलेंगे उनको हमने early electron कहा है और इनकी velocity बहुत ज्यादा होगी। So EE are early electrons. Now next one is reference electrons ER. So reference electrons are those electrons which emitted by the electron gun when the external applied potential is almost zero. तो जब external applied potential की value almost zero हो उस केस में electron gun से जो electron emit होंगे उनको हमने reference electrons कहा है and these electrons move with uniform velocity with which they emitted by the gun. और इन electrons की velocity change नहीं होगी, ये उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्यूब के अंदर मूव करेंगे जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन गन से इमिट हुए थे। सो दीज आर आवर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ थर्ड वन आर लेट इलेक्ट्रॉन्स। द लेट इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ई एल आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन आफ्टर द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। सो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होंगे उनको हमने लेट इलेक्ट्रॉन्स कहा है। दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ वेरी हाई नेगेटिव पोटेंशियल एट द कैविटी। सो कैविटी पर इन इलेक्ट्रॉन द्वारा वेरी हाई नेगेटिव पोटेंशियल एक्सपीरियंस होता है एंड दे मूव विद ए वेरी लो वेलोसिटी इनसाइड द ट्यूब, क्योंकि कैविटी इनको वेरी हाई नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है इसलिए इनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। सो दीज इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द ट्यूब विद ए वेरी लो वेलोसिटी। सो दिस वॉज आवर डायग्राम फॉर बंचिंग प्रोसेस। सो ये हमारा हाफ साइकिल, यहां से यहां तक
3/4 साइकिल और ये पूरा यहां से यहां तक 1 साइकिल और अगर आप यहां से लेके यहां तक लोगे तो 2 साइकिल. So here we end our session. In the current session we have discussed about reflex klystron. So goodbye.